यदि इस तरह से जाते हैं तो ये हिट एंड ट्रायल करते हैं तो पता नहीं चलेगा कि क्या है, कई बार करना पड़ेगा इसको हिट एंड ट्रायल एग्जाम्पल देख के। तो मैं काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ पहले, तो ये तो ऑलरेडी हमें पता है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लेट से बना रहने देते इसको ऐसे। देखो इसमें ये ए बी सी डी सब इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो ए कुछ ऐसा होना चाहिए जो अंडर रूट इस टू को हटा दे, मतलब ए इसको ऐसा ले देते कि लेट जो ए है कुछ स्क्वायर है किसी का, लेट से एक्स स्क्वायर है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और मतलब एक्स की पावर 3 हो जाएगा। मतलब यदि इसका मतलब है कि ए यदि एक्स स्क्वायर है तो बी हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, ऐसा। इन द सेम वे यदि डी के बारे में, इसके बारे में बात करें कि लेट लेट सी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 4 पावर है ना, तो लेट्स इसको वाई की पावर 4 कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो डी है डी कितना हो जाएगा, वाई की पावर 4 की पावर 5/4, मतलब वाई की पावर 5 हो जाएगा। तो सी यदि वाई की पावर 4 है तो इसका मतलब है डी वाई की पावर 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब इसमें बोला जा रहा है कि ए माइनस सी 9 है, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सी मतलब वाई की पावर 4 इज 9, और बाय द वे इस इन दोनों में जो एक्स और वाई है ये दोनों इंटीजर ही है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर ही है, ठीक है, तभी इस तरह से लिख सकते हैं। और ये देखो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वी कैन सॉल्व दिस लाइक, और ये 9 है। अच्छा अब 9 के फैक्टर क्या 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 हो सकते हैं, 3 × 3 1 × 9, 1 × 9 हो सकते हैं, 3 × 3 हो सकता है, 9 × 3 हो सकता है, 9 × 1 हो सकता है, बट मैं ये सोच लेता हूं कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये डिफरेंस है, तो ये ऑब्वियसली ये दोनों सेम तो नहीं हो सकते, तो इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू जब ऐड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 9 होगी, ये पॉसिबिलिटी है। तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज 1 और एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज 9, तो अभी दोनों को ऐड कर दें तो 2x की वैल्यू 10 आ गई, मतलब x का वैल्यू 5 आ जाएगा, x का वैल्यू 5 आ गया। अच्छा एक्स 5 आ गया तो वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदि ये 5 रखें तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, थिंक अबाउट इट, एक्स 5 रख दे, 5 − 1 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू 2 आएगी क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर लिया हुआ है, तो एक्स 5 और वाई 2 आ गया। अच्छा एक्स 5 वाई 2 आ गया तो यहाँ पे देखो ए कितना आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा, एक्स 5 रख दे तो 25। अच्छा बी कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 3 125 बी मिल गया। अच्छा सी कितना आएगा, सी वाई की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16, और डी कितना आएगा, वाई की पावर 5 मतलब इसकी पावर 5 32 आ जाएगा, 2 की पावर 5 32। और देखो ए माइनस सी क्या 9 हो रहा है, ए माइनस 25 − 69 बिल्कुल ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि बी माइनस डी कितना होगा, बी माइनस डी का वैल्यू कितना आएगा, तो 125 − 32 कितना हो जाएगा, ये 3 आ गया इधर, और 93, क्या यही आंसर आ रहा है, 93 इज दी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल ठीक है, 93 ही आंसर है, 93 इज दी आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस. सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस. तो कैसे अप्रोच करेंगे इसको? बाय द वे इसको सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर लीजिए. कैसे करेंगे इसको? ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो, लॉग एट बेस एट टू एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन की इज इक्वल टू फोर बाई थ्री. सही है? थिंक अबाउट इट. मैंने ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं. ये टू है, इसकी पावर में जाएगा और ये प्लस की वजह से ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा, फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर और ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एट टू द पावर फोर बाई थ्री. तो ये टू की पावर फोर हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 16 होता है, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा. मतलब x x माइनस वन की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 2 आएगी. ये दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा. अभी आप ये दो इक्वेशन को सॉल्व करो. एक है तो x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा. तो पहला हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. और दूसरी इक्वेशन जो है वो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो. अच्छा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा, एक्स माइनस टू आएगा क्या? नहीं आएगा. इसका डी नेगेटिव है, चेक दिस आउट. बी स्क्वायर वन माइनस फोर एक्स, इसका डी नेगेटिव है, थिंक अबाउट इट. तो इसके रियल रूट होंगे नहीं, इंटीग्रल वैल्यू आएगा नहीं, जो रूट आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे. थिंक अबाउट इट, इसके रूट आ जाएंगे. इसके रूट क्या आ जाएंगे बताओ? माइनस टू जा रहे, तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर आ जाएंगे. ये माइनस टू एक्स, बिल्कुल सही है. तो एक्स का वैल्यू माइनस वन एंड टू. द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस. तो लेकिन क्या ये माइनस वन सोल्यूशन होगा क्या? ये माइनस वन सोल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि लॉग टू एक्स इसको डिफाइन नहीं करेगा. ये नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता है. तो ओनली क्या हो जाएगा, टू इज द ओनली सोल्यूशन. आप देखो, टू में कोई दिक्कत नहीं आ रही. तो सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर विल बी ओनली टू. क्या इतनी बात समझ आई? एनी डाउट? नो. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. समझा ना? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन 58. The sum of all integral values of x satisfying the equation this. अभी इसको simplify करते हैं. Sum of all integral values of x satisfying the equation this is. सबका base कितना है? देखो, 1/2 है. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? log x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन टू द बेस 1/2. और ये देखो, ये 1/2 पावर में है, ये 1/2 की पावर 1/2 है. तो क्या ये माइनस टू लिख दें? log 7 माइनस एक्स टू द बेस 1/2. थिंक अबाउट इट. 1/2 आएगा तो 1/2 इज 2 आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू जी, दैट इज इक्वल टू 1. तो इसको कैसे डील करेंगे? तो बाय द वे ये हो क्या गया? x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन
माइनस है ना, तो ये इसकी पावर चला जाएगा 7 - x^2 log base half is equal to 1 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। और ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1/7 - x^2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1, मतलब 1/2 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x^2 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 + x^2 - 2ab करेंगे तो 14x आ जाएगा। इन सबको इधर ले आओ एक साथ, तो यहां पे मिलेगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ प्लस 14x, और ये माइनस 51 इज इक्वल टू 17 और 3 - 51, ओके 17 और 3 51 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 17x - 3x - 51 इज इक्वल टू 0। टेक एक्स कॉमन, एक्स प्लस 17 - 3x + 17 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 and -17। लेकिन देखो माइनस 17 फिर नहीं आ सकता सॉल्यूशन, क्यों? यदि ये माइनस 17 आया तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, इससे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इक्वेशन नॉट डिफाइन हो जाएगी। लेकिन 3 हो सकता है क्या? 3 पुट कर दे तो देखो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो x इक्वल टू 3 वुड बी द ओनली आंसर, द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। लेट x1 y1 एंड x2 y2 विद द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन दिस, देन वैल्यू ऑफ दिस इज, 59 को सॉल्व कर लेते हैं। ओके लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 59। कैसे अप्रोच करेंगे इसको, थिंक अबाउट इट। लेट दिस एंड दिस बी द सॉल्यूशन, मतलब x1 y1 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और देखो इसमें क्या है, ये रेसिप्रोकल गिवन है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो एक काम करते हैं कि लेट log x^2 - 5 को a बना देते हैं एंड log y^64 को b बना देते हैं। ये a हो गया और ये b हो गया। तो यहां पे क्या करेंगे, ये गिवन है a + b = 4 और ये 1/a - 1/b = 1। क्वेश्चन ये है कि अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, इस सिस्टम को कैसे सेट सिंप्लीफाई करें। ऑब्वियसली लॉग में रख सकते हैं बट ऐसे रख देते हैं ए और बी, ये ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये क्या हो गया, b - a = ab, सिंप्लीफाई कर लेते हैं सेकंड वाले को, और पहले मैं या तो b को सब्सटीट्यूट कर देता हूं या ये को, तो मैं b को कर देता हूं, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू आएगी 4 - a, 4 - a - a = a times 4 - a, ऐसा। तो अभी ये कितना हो जाएगा, 4 - 2a = 4a - a²। इन सबको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये a² - 6a + 4 = 0। a² - 6a + 4 = 0। अच्छा अब इसके सॉल्यूशन आ सकते हैं क्या, कोई d तो पॉजिटिव है तो कैसे करें। सिद्धाराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हैं पर इसको ऐसे लिख दे, थोड़ा और a² - 2 * 3a + 9 - 5 ऐसे लिख सकते हैं,
तो ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू रूट फाइव का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो। तो ए माइनस थ्री माइनस रूट फाइव और ए माइनस थ्री प्लस रूट फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो ए का जो वैल्यू आ रहा है, ए का वैल्यू आ रहा है वो थ्री प्लस रूट फाइव आ रहा है एंड थ्री माइनस रूट फाइव, ये दो वैल्यू आ रही हैं। और ए बाय द वे है क्या, ए क्या है, लॉग एक्स टू द बेस टू टू फाइव, लॉग एक्स टू द बेस टू टू फाइव इज इक्वल टू ए, मतलब थ्री प्लस फाइव प्लस माइनस फाइव। ओके, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, टू की पावर, 225 की पावर थ्री प्लस माइनस रूट फाइव। ओके, तो देखो ये दो रूट मिलेंगे ना, देखो इसमें क्या मिल रहा है, एक्स वन और एक्स टू एक रूट। तो एक्स वन को यदि मैं बना दूं वो हो जाएगा टू टू फाइव टू द पावर थ्री प्लस रूट फाइव आ जाएगा, और एक्स टू कितना आ जाएगा, टू टू फाइव टू द पावर थ्री माइनस रूट फाइव आ जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, एक्स वन एक्स टू यदि प्रोडक्ट कर देते हैं तो बेस दोनों का सेम है, टू टू फाइव पावर ऐड हो जाएंगी तो ये कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, कॉल दिस बी वन। तो देखो एक्स वन एक्स टू आ गया। अच्छा बी भी चाहिए, बी क्या लिखेंगे, देखो ए की वैल्यू ये आई थी तो बी कितना था, फोर माइनस ए ना, तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, फोर माइनस ए, फोर में से ये सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस रूट फाइव, और ये सबट्रैक्ट करेंगे तो कॉमा वन प्लस रूट फाइव, सेम वे। और बी है क्या, बी क्या है, लॉग वाई टू द बेस, लॉग वाई टू द बेस 64 इज इक्वल टू बी है। तो वाई वन कितना हो जाएगा, 64 टू द पावर वन माइनस रूट फाइव हो जाएगा, और वाई टू कितना हो जाएगा, 64 टू द पावर वन प्लस रूट फाइव आ जाएगा, ऐसा सिचुएशन। तो पूछा गया कि वाई वन वाई टू इन दोनों का यदि हम प्रोडक्ट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 64 टू द पावर, देखो पावर ऐड हो जाएंगी तो ये टू आ जाएगा, 64 टू पावर टू, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड मिल गया। तो अब हमें चाहिए क्या, वैल्यू क्या चाहिए, एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू इनका प्रोडक्ट चाहिए। तो यदि प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों का ही प्रोडक्ट चाहिए, तो 225, टू टू फाइव टू द पावर सिक्स इंटू 64 टू द पावर टू आ जाएगा। अच्छा टू टू फाइव क्या ये फाइव की पावर नाइन होता है, थिंक अबाउट इट, 225 कितना आता है, ये फाइव से 15 टू द पावर 2, कितना आएगा, ये 15 टू द पावर, हाँ अच्छा 15 स्क्वायर है ना, ये 15 स्क्वायर, पक्का 15 इंटू, अच्छा 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 इंटू 75, 5, हाँ यही है 15 स्क्वायर, यही आता है, ये 15 स्क्वायर है। तो क्या लिख सकते हैं, ये 15 की पावर 12 और इनटू, यहाँ पे ये देखो ये 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कुछ लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 ना, हाँ तो ये 2 की पावर 12 हो गया, मतलब ये 30 की पावर 12 आ गया। तो बाय द वे इसकी वैल्यू 30 के पावर 12, और हमें 30 के फॉर्मेट में ही चाहिए था, देख लो ध्यान से, 30 के पावर में ही चाहिए था ना, तो लॉग ये 30 की पावर 12 टू द बेस 30 है,
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 इज दी आंसर। तो इसका आंसर 12 आ जाएगा और यही आंसर है। देखो किस तरह से अप्रोच किया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। द वैल्यू ऑफ दिस इज, द वैल्यू ऑफ दिस इज, अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, किस तरह से अप्रोच करेंगे ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इस तरह से डॉट डॉट लाइन बनाई, ये इनफिनाइट तक है, ये इनफिनाइट मतलब इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं कि लेट 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 वन अपॉन थ्री रूट टू अंडर रूट फोर माइनस वन अपॉन थ्री रूट टू अंडर रूट फोर माइनस वन अपॉन थ्री रूट टू अंडर रूट फोर माइनस, ये जो भी है उसको क्या मैं x अज्यूम कर लूं, लेट्स ये x है, और यदि ये x है तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री रूट टू अंडर रूट फोर माइनस, फिर यहां के बाद से फिर वैसे ही रिपीट हो जाएगा, तो क्या ये x हो जाएगा, थिंक अबाउट इट। ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो मैंने इस तरह से रिड्यूस कर दी, ये जो इनफिनाइट सीरीज होती है, मतलब यदि इसको हमने पूरे को x माना तो यहां से ये जो आगे जाएगा ये भी x ही दिखेगा, ये भी x ही है बाय द वे। तो अब बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 18 आ जाएगा, 18 एक्स स्क्वायर, सो दैट इज 18 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। अच्छा 28 चौक 72 होता है और 9 8 72 है, तो 18 एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा 9x कॉमन ले लेते हैं, टेक 9x कॉमन, तो 2x प्लस 1 और इधर माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x इक्वल टू 0, तो 9x माइनस 4 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 4/9 एंड माइनस 1/2। अब देखो यदि रियल वैल्यू है, ये रियल रूट्स हैं, तो भाई अंडर रूट के अंदर ये क्वांटिटी ये हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो x की वैल्यू ये माइनस हाफ नहीं आ सकती, तो x की वैल्यू 4/9 ये परमिसिबल है, तो ये पुट अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि भाई आपको क्या निकालना है, 6 प्लस log 3/2, और इसकी वैल्यू ये पूरा x था ना, x, तो इस पूरे इसकी जगह हम x की जगह ये 4/9 रख सकते हैं, 4/9, और 4/9 को क्या 2/3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये यही क्या हो जाएगा, 6 ये माइनस log, ये प्लस ही रख देते, चलो 2/3 की पावर -1, और 4/9 जो है वो 2/3 की पावर 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 - 2 आंसर है, ये 4 आंसर आ जाएगा। सो इसका जो आंसर है दैट इज 4, इसका आंसर 4 आ जाएगा, एंड दैट इज द आंसर। कोई और डाउट इसमें, नॉट एज सच, आई होप कि आपसे आ गया, बस सारे हो गए हैं, थैंक्स। चलो इसको देख लेते हैं। यस सर, yes?
अगर हम log 2 to the base 3 को अगर हम एक वेरिएबल ले ले तो करो देखो कैसे करना है, मैं देखता हूँ इसको। तो मतलब कुछ तो, मतलब कुछ तो आ रहा है, मतलब सही है या पता नहीं। हाँ करो करो, क्योंकि सॉल्यूशन तक यदि आप पहुंच जाते हो तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है इसको हटा देते हैं, लेट्स रिमूव इट। देखो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे रहते हैं, वन प्लस टू लॉग टू टू द बेस थ्री अपॉन वन प्लस लॉग टू टू द बेस थ्री की पावर टू प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग टू टू द बेस थ्री अपॉन लॉग सिक्स टू द बेस थ्री, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसकी पावर टू? कैन वी राइट लाइक दिस? ठीक है, तो ये और ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, वन प्लस टू लॉग टू टू द बेस थ्री प्लस लॉग टू टू द बेस थ्री का होल स्क्वायर और अपॉन, देखो ये भी तो लॉग सिक्स टू द बेस थ्री है, वन को क्या लिख सकते हैं? देखो वन प्लस लॉग टू टू द बेस थ्री इज log 3 to the base 3 plus log 2 to the base 3, तो log 6 to the base 3 है, तो ये भी log 6 to the base 3 है और एक ये भी log 6 to the base 3, तो log 6 to the base 3 का whole square आ जाएगा denominator। अच्छा ऊपर ध्यान से देखो ये numerator क्या बन गया, a square plus 2a plus 1, तो ये क्या log 2 to the base 3 plus 1 का whole square हो गया, और नीचे भी क्या है ये log 6 to the base 3 है ना, तो log 2 to the base 3 plus 1 का whole square और ये कितना हो गया, this is 1, तो इसकी value 1 आ जाएगी, तो n is equal to क्या हो गया, n is equal to 1। अब बताओ क्या आंसर आएगा, क्या ये प्राइम नंबर है? अब प्राइम नंबर नहीं है, n रैशनल नंबर नहीं है, रियल नंबर विच इज लेस देन ये, इससे छोटा है ना, पाई की वैल्यू 3 point something होती, तो ये बिल्कुल सही है, ये एक रियल नंबर है जिसकी वैल्यू log पाई टू द बेस 3 से कम है, और रियल व्हिच इज ग्रेटर देन log 6 टू द बेस 7, ये भी सही है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से कम होगी और ये 1 है, तो ये रियल नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन दिस, तो ये बिल्कुल सही, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए एंड सॉरी सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। कोई और डाउट इसमें कभी? नॉट एज सच, आई थॉट कि आई थिंक कि सारे क्वेश्चन हो गए हैं। 46 कर लेते हैं, ये छूट गया, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन दिस गिवन बाय दिस, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे ये देख लेते हैं। Find the number of digit in this given by log 5 की value given है, log 7 की value given है, तो एक काम करते हैं, ये सब base 10 है, मतलब कुछ नहीं तो ये base 10 है, जो भी given है ये सब base 10 given है इनकी value, तो the number of digit in this given by this is, तो ये बताओ log 10 का वैल्यू कितना आता है, 1, मतलब बेस 10 हो, log 100 का वैल्यू बेस 10 में ये 2 आ जाएगा, log 1000 टू द बेस 10 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इस तरह से चलता रहेगा, मतलब यहां ये 2 डिजिट का नंबर हुआ, 2 डिजिट का नंबर हुआ तो उसका लॉग लेंगे, तो लॉग कितना आएगा, ये यदि कोई 2 डिजिट का नंबर हुआ तो उसका लॉग
एन टू द बेस 10, एन जो है वो टू डिजिट का नंबर है, तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 1 point something, समझ रहे हो, 1 point something आएगी। और ये देखो 100 से थोड़ा ज्यादा लेकिन 1000 से कम है, तो 2 और 3 के बीच में वैल्यू आएगी, मतलब 3 digit का कोई नंबर हुआ, log 3 digit, 3 digit का कोई नंबर हुआ तो उसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो 2 point something आएगी, मतलब 3 digit होगा तो 2 point something, 4 digit होगा तो 3 point something, इस तरह की वैल्यू आएगी। अब मैं एक काम करता हूं कि ये जो गिवन है ये, इसका लॉग ले लेता हूं कि लॉग, ये बहुत बड़ा नंबर है तो इसका लॉग लेने से क्या होगा, लॉग 875 टू द पावर 16 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स लॉग 875 टू द बेस 10। अच्छा 875 के फैक्टर आ जाएंगे क्या, 875 के फैक्टर यदि 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 25 से डिवाइड लेना, ये 25 चौक 100 8 चौक 32 32 3 37 आता है क्या, थिंक अबाउट इट, 35 आएगा, और फिर से 5 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि इसको क्या लिख सकते हैं, 16 log 5 cube into 7 to the base 10, ऐसा है। तो ये कितना हो गया, 16 times 3 log 5 to the base 10 plus log 7। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 16 टाइम्स 3 log 5 की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.699 प्लस 0.8451। अब ये कैलकुलेट करो, 16 इंटू 27 सात दो 27 28 29 दो 18 19 20 यही ना, तो 2 point something हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 0.8451। अब इन सबको ऐड कर दो, यहाँ पे जीरो है तो 16 टाइम्स कितना आ जाएगा, ये 1 और 7 5 12 इनका 2 और 3 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 7 5 12 की 2 हां से 9 4 13 14 का 4 हां से ले 8 1 9 2.9 something। अच्छा 16 का मल्टीप्लाई कर दो, 16 1 16 वन कैरी 32 32 और 1 33 3 कैरी 64 और 367 6 कैरी 16 9 16 × 9 कितना होता है, 144 और यहाँ पे कैरी 16 6 64 या 6 कैरी आया था ना, 64 3 66 6 कैरी आया था, 16 नंबर 100